सो हाय माय फैमिली, वेलकम करता हूँ आप लोग का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ काफ़ी ढेर सारी ओपन इन्फॉर्मेशन। जैसे कि दोस्तों यार, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल्स के बारे में। एंड साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, जो हमारा मैजिक क्यूब का सेक्शन रहता है वो पूरा का पूरा चेंज होने वाला है, उसका लुक बिल्कुल ही नए लुक के साथ आने वाला है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कैसा क्या कुछ रहने वाला है। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को काफ़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ हमारे आने वाले दिवाली इवेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिवाली से जुड़ी हुई काफ़ी ढेर सारी नई नई इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, तो सब कुछ बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों, थाला कैरेक्टर जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उससे जुड़ी हुई काफ़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन एंड काफ़ी ढेर सारे आइटम्स के रिव्यू निकल के आ चुके हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए यार, इस प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्री फायर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप लोगों को मिलती रहती है। जिसने भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लो। तो चलो दोस्तों यार, फाइनली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यार, आप लोगों ने फ्री फायर इंडिया के लॉन्च के बारे में सुना ही होगा, जो कि यार पोस्टपोन हुआ है, लेकिन दोस्तों उसकी नई डेट बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो उसके लिए भी रेडी हो जाओ। तो आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी है वो हमारे इस बार फ्री फायर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रहने वाले, तो उनसे जुड़े हुए काफी ढेर सारे यहाँ पर आइटम्स कैरेक्टर वगैरह बताए जाने आने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यार, उनका जो नेम वगैरह रहने वाला गेम के अंदर वो थाला रहने वाला है, एंड उसकी थीम पर बेस्ड दोस्तों यार यहाँ पर आप लोग एक पैन की स्किन देख सकते हो, जो कि यार बहुत ही अच्छी है, इसके अंदर एनिमेशन है। उसके अलावा दोस्तों हमारा ग्रेनेड का स्किन देख सकते हो, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अच्छा देखने में लग रहा है इसका जो एनिमेशन है। इसके पास सेकंड नंबर का जो आइटम है ये है दोस्तों हमारी एक बैट की स्किन, जो कि यार लेजेंडरी बैट की स्किन देखने को मिल जा रही है, एंड पूरा का पूरा बैट वाला लुक यहाँ पर दिया गया है, जो क्रिकेट का बैट रहता है वैसे। इसके बाद दोस्तों यार, AC-80 की एक लेजेंडरी स्किन देखने को मिल जा रही है, जिसके ऊपर यार साफ साफ थाला लिखा हुआ है, एंड इसके अंदर आप लोग को हल्का सा इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल जा रहा है, ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर यह देखने को मिल रही है। एंड ग्लोअल की स्किन भी देख ही सकते हो दोस्तों, जिसके ऊपर साफ साफ थाला लिखा हुआ देखने को मिल जा रहा है आप लोग को, एंड ये भी यार काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया। ये रहा हमारा लूट बॉक्स, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसके अलावा दोस्तों हमारा यहाँ पर देख सकते हो, ये है भैया सर्फ बोर्ड, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड इतना ही नहीं दोस्तों यार, बाइक की भी स्किन आई हुई है इसके अंदर, तो बाइक की स्किन दोस्तों यार आप लोगों को 100% कंफर्म है टॉप ऑफ वेंट के अंदर ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यार, हमारा बैग भी यहाँ पर निकल के आ चुका है, तो बैक पैक देख सकते हो काफी अच्छा एंड लेजेंडरी बैक पैक, ये भी देखने को मिल जा रहा है। एंड यहाँ पर दोस्तों हमारा एक हेलमेट भी हम लोग को देखने को मिलने वाला है, तो हेलमेट कैसा रहेगा वो भी आगे आप लोगों को रिव्यू करके दिखा दे रहा हूँ। एंड इतनी अच्छी चीज़ें दिखा रहा हूँ यार, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक है एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे जो आइटम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, इनमें से कुछ आइटम आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाले हैं, कुछ आइटम्स पेड भी रहने वाले हैं, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। तो भैया हेलमेट वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। एंड हेलमेट जो है मेल फीमेल दोनों कैरेक्टर पर आप लोग यूज कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर आप लोगों को एक इमोट भी देखने को मिल जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो चलिए यार, इस वाले इमोट का भी रिव्यू करके दिखाता हूँ मैं आप लोग को कि कैसा ये इमोट वगैरह देखने को मिलने वाला है। बाकी के दोस्त यार, थाला कैरेक्टर भी आप लोग को देखने को मिलने वाला है, एंड ऐसा बताया जा रहा है कि जब हमारा फ्री फायर इंडिया लॉन्च होगा तो हर एक प्लेयर को बिल्कुल ही फ्री में ये थाला कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। मे भी हो सकता है गरीना फ्री फायर आप लोग को फ्री फायर इंडिया के लॉन्च के रूप में बिल्कुल ही फ्री में थाला कैरेक्टर जो है अवेलेबल करा दे। एंड इसका क्या कुछ एबिलिटी वगैरह रहने वाला है वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा बहुत जल्दी। एंड ये रहा हमारा एक इमोट जिसका नेम है हेलीकॉप्टर शॉट, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जो कि यार महेंद्र सोनी का सबसे फेवरेट शॉट है, एंड मेरे ख्याल से इंडिया के हर एक प्लेयर का यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये लगेगा उसको इमोट, क्योंकि यार बहुत ही अच्छा मतलब ये बनाया गया है इमोट, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे लगी चीज़ें मुझे कमेंट करके बताना। एंड यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये वाली जो कार की स्किन देख रहे हो, ये कार की स्किन बहुत ही जल्दी गेम के अंदर देखने को मिलने वाली है। मे भी हो सकता है कि ये आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिल जाए। एंड ये टी शर्ट जो देख रहे हो, एंड साथ साथ जो यहाँ पर आप लोग ये हैट वगैरह देख रहे हो, ये दोनों आइटम भी आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिल सकते हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि यार हर एक सर्वर जो भी हमारे अदर सर्वर्स हैं, हर एक सर्वर्स के अंदर ये सारे आइटम जो है बिल्कुल ही फ्री में दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताना। आप चलिए यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बता दें आप लोगों को कुछ और अदर अच्छी सी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद दोस्तों यार, वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे दिसंबर मंथ से रिलेटेड यहाँ पर एक न्यूज निकल के आ चुकी है, जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, 25 दिसंबर के दिन आप लोग को गेम के अंदर एक इवेंट देखने को मिलेगा। जैसे यार पिछली बार आया था हमारा हॉल ऑफ इलाइट इवेंट, सेम उसी तरीके दोस्तों यार आप लोग को इस बार 25 दिसंबर को देखने मिलेगा हॉल ऑफ इंक्यूबेटर इवेंट। एंड इसका जो यहाँ पर वोटिंग सिस्टम रहेगा वो दोस्तों आप लोग को 15 दिसंबर के दिन देखने को मिलेगा, यानी दोस्तों 10 दिन पहले यार आप लोगों को से जो हमारा गरीना फ्री फायर ऑफिशियल इंडिया वाले हैं वो यहाँ पर वोटिंग करवाएंगे इंस्टाग्राम या फिर कहीं पर भी वोटिंग करवाएंगे और पूछेंगे कि आप लोग को कौन कौन सा इंक्यूबेटर यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर 4 से 5 इंक्यूबेटर के नाम्स हैं, जो कि यार आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ इंक्यूबेटर के नेम्स आप लोगों को वोटिंग लिस्ट के अंदर प्रोवाइड कराए जाएंगे, एंड उनमें से यार आप लोग को वोट करके अपना फेवरेट जो
कॉस्ट्यूम्स रहेगा वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग स्क्रीन पर भी कुछ बंडल्स दिखा दे रहा हूँ, क्लाउन वाले जो इंक्यूबेटर्स हैं इसके अलावा कुछ और इंक्यूबेटर्स के बंडल्स रहेंगे जो कि आप लोग को इस हॉल ऑफ इंक्यूबेटर इवेंट के अंदर अवेलेबल कराए देंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को एक और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप लोगों को डिनो बंडल तो याद ही होगा जो कि यार बहुत ज़्यादा रेयर एंड बहुत ज़्यादा पुराना है, तो इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकल के आई हुई है दोस्तों कि डिनो बंडल यार आप लोगों को बहुत जल्दी हमारे गेम के अंदर देखने को मिलने वाला है। एंड कौन कौन सा डिनो बंडल आएगा वो भी मैं आप लोगों को रिव्यू करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। एंड एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आई हुई है कि जो हमारा बहुत पहले वॉच एंड अर्न डायमंड वाला एक इवेंट आता था बहुत ही पहले कुछ इस टाइप का, जहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर ये पोस्टर देख सकते हो, ये वाला जो इवेंट है दोस्तों फिर से रिटर्न बैक आने की इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा इवेंट था जहाँ पर दोस्तों यार आप लोग को ऐड देखने के बदले में फ्री डायमंड मिलता था। तो कितने लोग यार इस इवेंट को चाहते हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करके बता दो, ठीक है, एंड कमेंट भी कर देना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यार चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो का मेन टॉपिक, यानी दोस्तों बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल्स के बारे में। तो भैया फ्री का मैजिक क्यूब यार आप लोग को मिलेगा दिवाली इवेंट के दौरान, ठीक है, लेकिन उसके पहले भी आप लोग को मैजिक क्यूब के अंदर अपडेट देखने को मिल सकता है। एंड इस बार दोस्तों बताया जा रहा है कि जब हमारा फ्री फायर इंडिया लॉन्च हो जाएगा ना, तो उसके बाद सबसे पहले चीज़ की जो हमारा मैजिक क्यूब का सेक्शन रहता है जहाँ पे मैजिक क्यूब के आइटम दिखते हैं वो सारी चीज़ें चेंज होने वाली है आप लोगों को मैजिक क्यूब के अंदर ही। जो हमारे मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट को एक्सचेंज करने के लिए एक अलग सा पार्ट रहता था वो इसी के अंदर ही मेंशन कर दिया जाएगा, उसी के अंदर ही आप लोग मैजिक क्यूब को एक्सचेंज कर पाओगे। बाकी का दोस्तों इस बार का जो मैजिक क्यूब का स्टोर का अपडेट रहने वाला है ना, उसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ढेर सारी लेजेंडरी गन स्किन देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर MAC-10 UMP की स्किन, इसके अलावा दोस्तों SVD एंड बहुत ही ढेर सारी गन स्किन देखने को मिलने ही वाली है। एंड साथ ही साथ दोस्तों कॉस्ट्यूम भी देखने को मिलने वाले, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ कॉस्ट्यूम एंड गन की स्किन दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, जो कि स्क्रीन पर देख ही सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी काफ़ी ढेर सारे आइटम्स रहेंगे जो कि आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। और मेरे ख्याल से दोस्तों इस बार का जो हमारा मैजिक क्यूब स्टोर का अपडेट आया हुआ था वो काफ़ी ढेर सारे लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि यार इस बार का जो मैजिक क्यूब स्टोर का अपडेट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स एंड काफ़ी अच्छे अच्छे बंडल्स वगैरह जो है ऐड किए गए थे। तो आप लोगों ने इस बार के मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर से कौन सा कॉस्ट्यूम एक्सचेंज किया था मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी का दोस्तों यार अगर आप लोग का कोई फेवरेट कॉस्ट्यूम हो, कोई फेवरेट बंडल हो जो कि आप लोग चाहते हो कि हाँ मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर ऐड किया जाए, तो उसका नाम भी मुझे कमेंट करके बता देना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसको कौन सा बंडल सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी मैं आप लोग को बताऊँगा हमारे दिवाली इवेंट के बारे में, क्योंकि यार दिवाली इवेंट के दौरान आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री का मैजिक क्यूब एंड काफ़ी ढेर सारे आइटम बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बची हुई है, मैं इकट्ठा करके रखा हूँ, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को पूरा जोर लगा के ऑल पे सेट जरूर कर लेना है यार, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप लोग अपडेटेड रह सको। जिनको भी नोटिफिकेशन नहीं आता है उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर ले या फिर चैनल को रीसब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे यार उनको हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो टाइम टू टाइम अपडेट रहे। तो चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय।